दोस्तों देखो, जो नरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। जो आपको वाक्य दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? डायरेक्ट में दिया जाता है, उसको आप बदलते हो इनडायरेक्ट में, यानी स्पीच में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब देखो कैसे बदलते हैं इसको, तो आप इधर देखिए, यह आपको आसानी से आ जाएगा 100%। तो देखो, एक होता है आरवी और दूसरी तरफ होती है क्या? आरएस। ये इधर आरवी, आरवी की फुल फॉर्म होती है क्या? रिपोर्टेड वर्ब। और इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आरएस। तो इस कॉमा से पहले वाले वाक्य को आरवी कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसे क्या कहते हैं? आरएस कहते हैं। तो ये आरएस का वाक्य अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, किससे होता है? प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? प्रोनाउन आई, माय, मी, वी, ओवर, अस और यू, योवर, यू, सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। ये इस तरह से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? तो इन प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह होता है इधर। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं अपन, शेड होता है इधर, तो शेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? टोल्ड लगा दिया जाता है। शेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? के स्थान पर टोल्ड का यूज़ किया जाता है, सेट के स्थान पर टोल लगा देंगे। और यहाँ पर जोड़ने के लिए यानी कंजक्शन के रूप में ये दोनों कोमा हट जाएंगे, इन दोनों कोमास को आप हटा दोगे। और हटाने के बाद में यहाँ पर डेट का यूज़ किया जाता है, किसका किया जाता है? डेट का यूज़ किया जाएगा। कब किया जाता है? जब यहाँ का वाक्य क्या हो, प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो आपको डेट का यूज़ करना है और सेट के स्थान पर टोल्ड का यूज़ करना है, ठीक है? कब करना है? जब ये सेंटेंस में क्या हो, ही सेड टू मी, मतलब इधर ऑब्जेक्ट आता है, तब आपको सेड का जो बदलना है, सेड को किस में बदलना है? टोल्ड में बदलना है। और यहाँ पर किसका यूज करना है? जोड़ने के लिए, यानी कंजक्शन के रूप में ये दोनों चीज़ें हट जाती है। और यहाँ पर टोल्ड का यूज़, वो सॉरी दैट का यूज़ करना है, ठीक है? अगर ये वाक्य आर एस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, इज एम आर होती है, किसकी होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन होता है। फिर इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट होती है, उसमें डिड होता है। फिर वॉज वर होता है। फिर इसके बाद में हेड होती है और हेड बीन होती है। फिर शैल हैव, विल हैव, शैल बी, विल बी, शैल विल आदि होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से यहाँ का वाक्य स्टार्ट होता है, किसका? आर एस का वाक्य। तो आपको कंजक्शन के रूप में इफ का यूज करना है और यहाँ पर शेड के स्थान पर आस्क लगाना है। शेड के स्थान पर क्या कर दिया जाता है? आस्क का यूज किया जाता है, ठीक है? और इसकी एक पहचान और होती है, इसके अंत में क्या होता है? पर्सन वाचक होता है। पर्सन वाचक जो आपकी मदर वो लेके जाती है दादली, तो वो चिन्ह होता है इसमें, किसमें? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें ये दादली होती है, दादली जिससे आप लावणी वगैरह करते हो वो होती है। तो ये चिन्ह मिलेगा आपको, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर? कंजक्शन के रूप में इफ और यहाँ पर शेड के स्थान पर आस्क का यूज करना है। अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, किससे? डब्ल्यू एच वर्ड से होता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर यूज करना है डब्ल्यू एच वर्ड। कंजक्शन के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है? और फिर इसके बाद में यहाँ पर सेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? आस्क्ड लगा दिया जाता है। कब लगाया जाता है? इसमें भी क्या होता है, ये दोनों पर्सनवाचक होते हैं। पर्सनवाचक वाक्य दिखते ही आपको क्या यूज करना है? आस्क्ड का यूज करना है,
कब करना है? जब ये इधर प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक का मतलब दातली का चिन्ह होगा, तो आपको क्या करना है, आस्क्ड का यूज करके आना है। अब देखो आगे आते हैं इसमें, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है वो किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। किस में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। कब जाएगा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष बनाते हैं, तो इस तरह से आपको यूज करना है। अब जैसे ये उल्टा सुलटा हो जाएगा, इधर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। फिर इसके बाद में आता है कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। कैन का क्या हो जाता है, कुड होगा। कैन का क्या होता है, कुड होता है। सेल का क्या होता है, शुड हो जाएगा। विल का क्या होता है, वुड होगा। और मे का क्या हो जाता है, माइट का यूज किया जाता है। इस तरह से होगा। अब वापस से रिपीट करता हूँ मैं एक बार, देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। फिर आता है पास्ट इंडेफिनेट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस है वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। फिर है देखो मॉडल होते हैं ये मॉडल, तो ये मॉडल कैन का क्या होगा, कुड। सेल का क्या हो जाता है, शुड। विल का वुड, मे का माइट यूज किया जाता है। तो इस तरह से टेंस संबंधित आपको परिवर्तन करना है। फिर आता है इसके बाद में देखो, ये ही सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू कोटा, इस तरह से सेंटेंस आया एग्जाम में। तो इसको कैसे करना है, देखो ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, किससे हो रहा है, प्रोनाउन से। तो आपको इसको किसके अनुसार बदलोगे, ये बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार। अब देखो आई माई मी वी ओवर अस, आई माई मी वी ओवर अस फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदले जाते हैं, आई माई मी वी ओवर अस फर्स्ट पर्सन। इसमें दो पर्सन होते हैं, एक कहने वाला होता है जो इधर होता है, सुनने वाला होता है वो इधर होता है। कहने वाला होता है वो इधर होता है, सुनने वाला होता है वो इधर होता है। कहने वाला इधर होगा और सुनने वाला इधर होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन और इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, इसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे और इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, या इसको बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ये हो गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये देखो फर्स्ट पर्सन चेंज फर्स्ट पर्सन के अनुसार, या फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट के अनुसार। और देखो सेकंड पर्सन आता ना यहाँ पर, सेकंड पर्सन क्या क्या होते हैं, यू योवर यू। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू योवर यू होता है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई माई मी होता है। और सेकंड पर्सन यू योवर यू होता है। थर्ड पर्सन ही हिज हिम सी हर हर होता है। क्या होता है, ही इज हिम सी हर हर दे देयर देम और इट इट्स इट, ये होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता, यानी नो चेंज थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, सेकंड पर्सन के अनुसार। या सब्जेक्ट चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और ऑब्जेक्ट होता है किसके अनुसार, सेकंड पर्सन होता है इसकी जगह, तो सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको बनाते हैं अपन। ये है कैसे, ही आ रहा है तो ही का क्या आ जाएगा, ही। शेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों हुआ टोल्ड, टोल्ड इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, ही टोल्ड मी। जोड़ने के लिए यानी कंजक्शन के रूप में देट का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि अंत में फुल स्टॉप आ रहा था, तो ये देट आ जाएगा। ये कोमा और ये कोमा दोनों को हटा दिया जाता है।
जब आप बनाते हैं इसको, तो इसको हटाना है और इसके स्थान पर कंजक्शन लगाना है, कौन सा, दैट। फिर आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल जाएगा। कौन बदलेगा, ये फिर है, देखो इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, वो जा रहा है, तो प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस किसके अनुसार बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन, क्या आएगा, हैड बीन गोइंग टू कोटा। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है एग्जाम में। देखो मैं रिपीट करता हूँ, ही सेड टू मी आई वॉज गोइंग टू कोटा, तो इसको कैसे बनाओगे, ही टोल्ड मी टू हट जाएगा, सेड टू कोटा दिया जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट आ जाएगा फिर जोड़ने के लिए। फिर ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई बदलेगा, क्योंकि आई आ रहा था तो आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, किसके अनुसार होता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है। देखो कैसे होता है, एस ओ एन, एस ओ एन का मतलब क्या हो गया, ये वन टू थ्री, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सेकंड पर्सन को बदला जाता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। आपको याद रखना है एस ओ एन, एस ओ एन का मतलब सब्जेक्ट चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट होता है किसके अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करे थे, फर्स्ट पर्सन के अनुसार इसको बदलेंगे, बदल दिए। फिर इसके बाद में सेकंड पर्सन होता है यहाँ पर, तो सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेंगे, जो देखो इधर ये यहाँ पर आया, सी सी सेट टू मी आर यू लक्की, आर यू लक्की, आर यू लक्की, आप लक्की हो, अंत में पर्सनवाचक लगाया गया और ये इन्वर्टेड कॉमा। आप देखो ये पर्सनवाचक दातली वाला चिन्ह आ गया है, दातली का चिन्ह आता है, तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है यहाँ पर आस्क्ड, तो यहाँ पर सेट टू को हटा दिया जाएगा, इसमें आस्क्ड लगा दिया जाता है, सी आ जाएगा यहाँ पर, फिर मी का मी सेट टू हट जाता है। अब यहाँ पर जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने शुरुआत में बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, तो यहाँ पर इफ का यूज करना है, किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है, ठीक है, यही आ गया। फिर इसके बाद में आपको लगाना है यू सेकंड पर्सन के अनुसार, यानी ये सेकंड पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन आया है, तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन के अनुसार, तो सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, ये है इसका ऑब्जेक्ट मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, आर आ रहा है तो आर किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई वॉज लक्की, आई वॉज लक्की, इस तरह से इसको बना दिया जाता है, अंत में ये पर्सनवाचक की जगह पुलिस स्टॉप लगा दिया जाता है, तो इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। फिर आता है इसके बाद में अगला डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, जैसे मान लो राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया और ये इसका क्या हो गया, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, इसको अपन सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो राम ने सीता से कहा, क्या कहा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, किसने कहा, राम ने कहा सीता से, क्या कहा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, अंत में लगा दिया गया पर्सनवाचक, पर्सनवाचक दादली को चिन्ह देखता ही अपन काय लगाना चाहिए, आस्क्ड लगाना चाहिए, काय लगाना चाहिए, आस्क्ड लगाना चाहिए,
अरे दादली को जीना लोग तो डकाई लगा ला आसिड लगा ला काके स्थान पर लगा ला शेठ टू का स्थान पर। तो अब देखो दादली को जीना रिज दो डकाए वो लोग राम फिर आएगा यहाँ पर वो दादली का चिन्ह दिख रहा है मतलब दादली दिख गई ना देखता है गाय लगाड़ो आस्क लगाड़ो। अरे दादली लेर थे बड़ डाला खेत में लावनी करवा तो कोई ना कोई धन पूछे भाया कट जा रही जा दादली लेर है तो वो पूछ लो तो पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते पूछने को आस्कड बोलते क्या बोलते आस्कड बोलते। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है आस्कड आस्कड लगा दिए शेट टू के स्थान पर सीता का सीता ही आएगा। अरे सीता की जगह गीता थोड़ी ना उदा लो तो सीता ही आएगा और जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड ही डब्ल्यू एच वर्ड आता है तब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा वेयर का वेयर आएगा। फिर आप देखो ये कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में जाता है पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बदलेगा पहले सेकेंड पर्सन के अनुसार मैंने बताया था एस ओ एन यानी ये ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन बदलता है वन टू थ्री एस ओ एन का मतलब क्या हो गया वन टू थ्री फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार तो सीता है यहाँ पर सेकेंड पर्सन। तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर आएगा सी क्या आ जाएगा सीता के लिए सी सी आ गया तो लिव का क्या हो जाएगा लिव्ड पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा तो यहाँ पर लिव्ड आ जाएगा यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर आरवी में आस्कड लगाना है ठीक है जोड़ने के लिए इप लगेगा जब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा और यहाँ पर आस्कड लगा दिया जाता है। और अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है आपको लगाना है दैट कंजक्शन के रूप में और यहाँ पर टोल लगा दिया जाता है। अब मान लो जैसे नेक्स्ट है जैसे मान लो ये बिना सब्जेक्ट वो बिना ऑब्जेक्ट का आता है ही सेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया और यहाँ पर आ गया आई वॉज वेरी होनेस्ट आई वॉज वेरी होनेस्ट। तो इसको किस तरह से बनाते हैं जो देखो ये यहाँ पर क्या आ रहा है ये आ रहा है ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ही टोल्ड। अब जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे दैट का किसका किया जाता है दैट का तो यहाँ पर दैट आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई किसके अनुसार फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही वॉज आ रहा है तो प्रेजेंट कौन सा है कंटिन्यूअस वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में जाता है ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ही हैड बीन अब देखो वेरी होनेस्ट तो ये इस तरह से बना दिया जाता है। अगर यहाँ पर होता ये मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता कैसे ये ऐसे होता ही सेड आई लाइक यू आई लाइक यू ही सेड आई लाइक यू। अब ऐसे होता है तो इसको कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पर सेकेंड पर्सन आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मानना पड़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही टोल्ड और यहाँ पर जैसे मान लिया अपन मी क्या मानना पड़ेगा मी क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पर्सन आ रहा है तो इसलिए सेकेंड पर्सन लेना पड़ेगा कुछ। आई किसके अनुसार बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा दैट क्यों आया देट क्योंकि ये प्रोनाउन आ रहा था यहाँ पर तो ये देट आ जाएगा। फिर इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो यहाँ पर ही आएगा ही आ गया। फिर ये कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा तो यहाँ पर लाइक्ड हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन के अनुसार तो मी माने थे अपन तो मी माने थे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मी आ जाएगा और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास है अपनी नेक्स्ट डे होगी इसकी तो मैंने आज आपको पढ़ाए तीन रूल मतलब तीन चार बताए हैं आपको
तो ये कौन कौन से बताएं? एक तो प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला आरएस का वाक्य, एक हेल्पिंग वर्ब से होने वाला, एक डब्ल्यूएच वर्ड से होने वाला, ठीक है? तो मैंने ये बताया आपको। तो ये देखो, इसमें परिवर्तन, एक तो टोल्ड आ जाएगा इधर, कब प्रोनाउन से होगा तो, और जोड़ने के लिए यानी कंजक्शन के रूप में दैट आएगा। हेल्पिंग वर्ब से आता है तो इफ आएगा, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, आस्क्ड लगा दिया जाता है। फिर ये डब्ल्यू एच वर्ड से आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, और यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, आस्क लगा दिया जाता है। अब ये परिवर्तन किसकी जगह किया जाता है, शेड टू के स्थान पर लगा दिया जाता है। और इन दोनों में क्या मिलेगा आपको, पर्सनवाचक यानी दादली मिलेगी लावणी करने के लिए। तो आप लावणी जरूर करके आए, इससे ले जाएं अपने घर पर से और आराम से खेतों में लावणी करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।